हाय गाइस, अभी हम केस कर रहे हैं प्रोस्थेटिकली रिहैबिलिटेशन ऑफ पोस्टीरियर जॉ का। मैक्सिलर में मैंने दो इम्प्लांट प्लेस किए थे, एक टेरिकॉइड में डाला था, एक प्रीमोलर में डाला था। इमीडिएट इम्प्लांट सॉकेट था। अब मैं ले रहा हूँ फ्रेमवर्क ट्रायल, बहुत इंटीग्रल पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जब आपको ट्रायल लेना है। उसके बाद मैं वैक्स बाइट लूँगा। अब दिखाना चाहूँगा कि जो स्टेप्स आपको फॉलो करना है उसमें सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो उसका जो फ्रेमवर्क का जो ट्रायल है उसकी जो फिटिंग है वो पैसिव होनी चाहिए, और उसके ऊपर आप वैक्स बाइट लेंगे और आपको पता लग जाएगा कि फिटिंग कैसी है। यू कैन ऑल्सो कम्युनिकेट विद द लैब। अब मैं दिखाना चाहूँगा एक्सरे। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दो इम्प्लांट प्लेस किए थे। ये नॉरिस का टेरिफिट इम्प्लांट है, ये BLX इम्प्लांट है। इमीडिएट इम्प्लांट दोनों में मैंने इमीडिएट इम्प्लांट किए थे। यहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया था और यहाँ पे भी मैंने प्रीमोलर निकाल के सॉकेट में डाला था। ये हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, दिस साइड वी ऑलरेडी डन। ये BLX इम्प्लांट है, इमीडिएट इम्प्लांट किए थे, और ये भी स्ट्रॉमेन के BLT इम्प्लांट्स है। साइनस लिफ्ट किया था यहाँ पे, और यहाँ पे भी इमीडिएट इम्प्लांट है। ये हम इस साइड पे ऑलरेडी प्रोसेस दे चुके हैं। अब मैं दिखाना चाहूँगा जब हमने जो फ्रेमवर्क का जो फिटिंग है वो जो हमने ट्रायल लिया था वो कैसा था। अब देख सकते हैं, दिस इज द फिटिंग। हमने यहाँ पे IOPA से वेरीफाई ज़रूर करना पड़ता है, और दिस इज ऑन द जो प्रीमोलर का इम्प्लांट है, जो लास्ट इम्प्लांट है टेरिकॉइड इम्प्लांट उसका है। और अब दिखाना चाहूँगा क्लिनिकली इंटरप्रिटेशन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फ्रेमवर्क ट्रायल है उसके जो आपको देखना होता है कि उसके ऑक्लूजन लोड कैसा है, और उसके साथ साथ जो स्क्रू एक्सेस होल आप देख सकते हैं क्योंकि पैलेटल प्लेसमेंट है। तो ये जो फ्रेमवर्क ट्रायल है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है बिफोर यू गिव द फाइनल वन।